हेलो बच्चों, 11th के बच्चे जो 12th में जा रहे हैं उनका 11th का सिलेबस लगभग ख़त्म होने वाला है। अब 11th से 12th में जाते समय एक बार 11th के पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करना तो बहुत ज़रूरी होता है। ये कैसे करेंगे? इसके लिए पाठशाला ने दी पार्ट टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है अपने 11th के उन बच्चों के लिए जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जो बायोलॉजी यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं। इसका शेड्यूल आपको दिया गया है, इसका जो शेड्यूल है वो आपको ऑलरेडी दिया गया है, राइट? तो क्या शेड्यूल दिया गया है? देखिए, ऐसा एक फ्लायर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया था जिसमें प्रॉपर पार्ट टेस्ट सीरीज़ के डिटेल दिए गए थे, है ना? ये पार्ट टेस्ट सीरीज़ किस प्लान को फॉलो करेगी, किस पैटर्न को फॉलो करेगी, उसके बारे में बताया गया था, राइट? तो देखिए बच्चों, इस टेस्ट सीरीज़ के क्या फ़ायदे होंगे? देखो, सबसे पहली बात है कि बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ये तो आप बचपन से जानते होंगे। टू रेक्टिफाई एरर्स, जो गलतियाँ छोटी मोटी करते हैं इन पार्ट टेस्ट सीरीज़ के बहाने आप इनको दूर कर सकते हैं। एनहेंस स्पीड, स्पीड बढ़ानी है। हेल्प्स टू अवॉइड एग्जाम फियर, जो आपका एग्जाम टेम्परामेंट होता है, एग्जाम में नेशन हॉल में एकदम प्रेशर में आते हो, उसको ये दूर करेगा, है ना? गिव्स बेटर प्रैक्टिस, इंक्रीज कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा। हेल्प्स टू मैनेज टाइम मैनेजमेंट एंड हेल्प्स टू एनालाइज आपको अपने आप को, राइट? तो इतने सारे बेनिफिट हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने फ्लायर में लिख के दिए थे। जस्ट आपको एक बार और रिमाइंड कर रहे हैं कि कोई भी पार्ट टेस्ट सीरीज का कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। हर टेस्ट को उतना ही सीरियसली लेना है जितना आप जेई या नीट को लेते हैं, ठीक है? जितने लिए आपके लिए जेई जरूरी, जितने आपके लिए नीट जरूरी, उतने लिए आपके लिए पार्ट टेस्ट सीरीज जरूरी, ठीक है? देखिए बच्चों, क्यों जरूरी, इस पर छोटा सा बात, आपकी एबिलिटी और आप क्या चाहते हैं उसमें कितना बड़ा गैप है। अभी आपकी एबिलिटी एट प्रेजेंट, ये जो छोटा सा आपके सामने जो फोटो दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे देखिए आपकी एबिलिटी कहाँ है और आपको टेस्ट कहाँ है, इतना बड़ा गैप, इस गैप को कैसे भरेंगे? इस गैप को भरना है कैसे? देखिए बच्चों, बाय डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, गैप भरेगा और आप जो आप चाहते हैं, जो आपका टेस्ट है, जो आप जाना चाहते हैं, आप बिल्कुल पहुंच के रहेंगे। इसलिए कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, राइट? इस टेस्ट से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातें आपसे हम कर लेते हैं। जैसे टेस्ट कब कब होगा, इसकी डेट्स ऑलरेडी आपको बताई गई हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी गई हैं। ये टेस्ट शेड्यूल है, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, जेई में क्या रहेगा, नीट में क्या रहेगा, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया गया है। 4 मार्च को पहला टेस्ट है, 11 मार्च को दूसरा टेस्ट है, 18 मार्च को तीसरा टेस्ट है, फिर 18 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में होली पड़ जाती है, इसलिए उस दिन उस मंडे टेस्ट नहीं रखा गया, तो 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को टेस्ट रखा गया है, राइट? अभी टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? देखिए, जेई बच्चों के लिए बिल्कुल जेई पैटर्न फॉलो होगा। 4 से 7 टेस्ट होगा, 3 घंटे का, 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट में। और जो 30 क्वेश्चन होंगे इसमें फर्स्ट 20 तो कंपलसरी होते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो आखिरी जो 10 होते हैं इंटीजर टाइप में, कोई उनमें कोई 5 करने होते हैं, बच्चों उनमें 5 ही करिएगा। अगर आखिरी 10 में से आपने 6 कर दिए तो जो छठा क्वेश्चन होगा ना, जो भी छठा हो वो सही हो, उस पर आपको -5 हो जाएगा, वो सही हो या गलत हो, इसलिए 5 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके करिएगा, ठीक है? जेई में 30 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, हर टेस्ट के पहले रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में अपने टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे, तभी आप टेस्ट में अपियर हो पाएंगे। जो बच्चे टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं करेंगे उनको हम टेस्ट में अपियर नहीं होने देंगे, या कुछ पेनल्टी लगा के वो फिर अपियर हो पाएंगे तो अदरवाइज अलाउड नहीं है बिल्कुल। नीट के जो बच्चे हैं उनका टेस्ट 3 घंटा 20 मिनट का होगा, 4 से 7 20 होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो पैटर्न जो नीट पैटर्न फॉलो करता है। तो हर टेस्ट में अपीयर होइए बच्चों, कोई भी टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? अगली बात, टेस्ट तो चलते रहेंगे, अब आप 11th से 12th में जा रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, तो अगले सेशन की क्लासेस कब से शुरू होंगी बच्चों? अगले सेशन यानी 2024-25 की जो क्लास शुरू होगी वो 30 मार्च 2024 से शुरू होगी, सैटरडे से, ठीक है? 30 मार्च 2024 आपका टाइम टेबल आएगा, उसमें देखिए 30 नहीं तो किसी का 31 होगा, लेकिन 30 मार्च से हमारा प्लानिंग है क्लासेस को शुरू करने की। आइए बच्चों, तैयारी करते रहिए। और फिर मैं बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा, देखिए, हाँ बच्चों, आपकी एबिलिटी और आपका टेस्ट, फिर देख लीजिए, इतना बड़ा गैप है, गैप हम प्रैक्टिस से ही भर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं, इनको उतना ही सीरियसली देना है जितना सीरियसली आप जेई और नीट को लेने जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बड़ा रिवार्ड देगा, ठीक है? जो नीट में बैठते हैं ना, जो लोग पहली बार जाके नीट एग्जाम या जेई एग्जाम बैठते हैं, उनको प्रेशर आ जाता है, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, कौन सब्जेक्ट पहले लें कौन सा लें समझ नहीं आ रहा था। इसमें प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना लीजिए, कौन सब्जेक्ट आपको पहले लेना है जो सबसे स्ट्रांग है, उसमें कम समय में करना है, उसके बाद कौन सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है,
जल्दी जेई वाले बच्चे देख लें, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या है बहुत आपका जो स्ट्रांग है उसको पहले करिए, उसमें आप 10-15-20 मिनट बचाइए, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करिए, उस पर 10 मिनट बचाइए, और फिर तीसरे सब्जेक्ट में उनको यूज़ करिए, ठीक है। तो पहले बचाइए फिर यूज़ करिए, यही नीट के बच्चे करेंगे। उनका बायोलॉजी लगता है जल्दी कर सकते हो, पहले उसको करें, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में जो स्ट्रांग है वो करें, और सबसे लास्ट में वो करें जो आपको बहुत टफ है, ताकि आप ज़्यादा समय उसको दे सकें, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इंडिविजुअल प्लानिंग है, ये मेरा सजेशन था, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।